दोस्तों आज 4 अप्रैल 2019 गुरुवार का दिन है और आज पूरे देश के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खबर आई है। आपको बता दें ये बड़ी खबर आपके बैंक अकाउंट से लेकर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है और आप पैसे का लेन देन करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपको बता दें सरकार ने अभी हाल ही में एक नया नियम लागू किया है पैसे के लेन देन को लेकर। आपको बता दें सरकार ने जो नया नियम लागू किया है उससे पूरे देश के नागरिकों पर असर पड़ेगा, खास करके उन लोगों पर जिन लोगों का किसी भी बैंक में खाता है और जो लोग पैसे निकालते हैं या अपने अकाउंट में पैसे डालते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इसी खबर के बारे में बताएंगे, साथ ही में आपको बताएंगे आज की ताजा खबरें और महत्वपूर्ण खबरें। तो वीडियो को थोड़ा सा भी बिना भगाए आखिर तक ध्यान से देखते रहिए। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों बैंक खाते को लेकर और पैसे के लेन देन को लेकर जो सरकार की तरफ से बड़ी खबर आई है, जो नया नियम आया है उसके बारे में बताने से पहले आइए आपको बताते हैं आज की ताजा खबरें और महत्वपूर्ण खबरें। पहली खबर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि खाना बनाना और गाड़ी चलाना हो जाएगा महंगा, इतने रुपए बढ़ सकते हैं सीएनजी के दाम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें सीएनजी के दाम बढ़ने वाले हैं। जहाँ जहाँ पर भी जिस भी शहर में सीएनजी है वहाँ पर लगभग सीएनजी के दाम 10% बढ़ सकते हैं। यानी अगर अभी सीएनजी आपको मिसाल के तौर पर 50 रुपए की मिलती होगी तो अब आपको वही सीएनजी 55 रुपए की मिलेगी। आपको बता दें इससे खाना बनाना भी महंगा हो जाएगा और गाड़ी चलाना भी। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्राइवेट कर्मचारियों की हो गई है बल्ले बल्ले। अब 5,000 रुपए की जगह मिलेगा 25,000 रुपए का प्रति माह पेंशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला सुनाया है। इसके तहत जो भी प्राइवेट कर्मचारी हैं उन लोगों को जो अब पेंशन मिलेगी वो उनके सैलरी के आधार पर मिलेगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई कर्मचारी 33 साल तक जॉब करता है और 50,000 रुपए तक उसकी सैलरी होती है रिटायरमेंट के वक्त, यानी अगर वो 15,000 या 20,000 रुपए से शुरू करता है लेकिन रिटायर तक उसकी सैलरी 50,000 रुपए हो जाती है, तो अभी जो नियम है उसके हिसाब से उसे पेंशन मिलती 5180 रुपए हर महीने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब यही 5180 रुपए करीबन 25,000 रुपए बन चुके हैं। और दोस्तों अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सर्वे, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे आपका माइंड भी तेज होगा। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हाई कोर्ट बड़ा होता है या सुप्रीम कोर्ट। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए हाई कोर्ट बड़ा है या सुप्रीम कोर्ट। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, किसानों के लिए अलग अलग है बजट, एक साल में मिलेगी 22 लाख नौकरियां। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें वैसे तो राहुल गांधी सभी मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक खास मुद्दा है वो है 72,000 रुपए को लेकर। राहुल गांधी ने इस बात को फिर दोहराया है कि जो भी परिवार का मुखिया होगा और जो गरीब परिवार होगा उसके खाते में हर साल 72,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा है कि 22 लाख नौकरियां खाली हैं, उन नौकरियों को सिर्फ एक साल में भर दिया जाएगा। 10 लाख ऐसे युवा होंगे जो कि ग्रामीण क्षेत्र से होंगे और गरीब होंगे, उन लोगों को जॉब दी जाएगी। साथ ही में राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही है। वो बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने कहा है कि अगर कोई भी अपना कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसे 3 साल तक सरकार से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। यानी ये राहुल गांधी एक नियम बनाएंगे, अगर उनकी सरकार आती है तो कोई भी इंडिया का आदमी अपना रोजगार चालू कर सकता है और उसे कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात राहुल गांधी ने ये कही है कि उन लोगों को 3 साल तक कोई टैक्स भी नहीं देना। तो अभी राहुल गांधी की तरफ से बहुत बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, अगर ये सारे ही सच होते हैं तो सच में आम आदमी का बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि अब कोई भी बिना पूछे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जोड़ सकेगा आपको, आ गया है नया फीचर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो आप इस चीज से शायद जरूर परेशान होंगे कि आपका जो नंबर है वो किसी भी ग्रुप में जुड़ जाता है और आपको उल्टे सीधे मैसेज, उल्टे सीधे वीडियोस आते हैं। लेकिन आपको बता दें सरकार के कहने पर अब व्हाट्सएप में एक ऐसा फीचर ऐड किया है जिसकी मदद से आप ये खुद तय कर सकेंगे कि आपको किस ग्रुप में रहना है, यानी किस ग्रुप में नहीं रहना। जब तक आपकी सहमति नहीं होगी तब तक आपको अब कोई भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ नहीं पाएगा। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि हर राज्य के लिए होगी अलग अलग न्यूनतम मजदूरी, दिल्ली मुंबई से ज्यादा होगी इन राज्यों में कमाई। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से एक और बड़ी खबर आई है मजदूरों को लेकर। चाहे वो किसी भी चीज की मजदूरी हो, चाहे वो कूड़ा बीनना हो, रक्षा चलाना हो या कहीं पर सैलरी पे काम करना हो। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से ये नया नियम आया है। नए नियम के मुताबिक अब चाहे कोई भी किसी भी चीज का काम करता हो, कोई भी मजदूर, उसे 26 दिन में कम से कम 10,775 रुपए देने ही पड़ेंगे। लगभग रोजाना के 440 रुपए बन रहे हैं। इससे कम कोई भी काम वाला या कोई भी कंपनी मजदूरों को नहीं दे सकता।
सकती। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि इस तारीख को घोषित होंगे यूपी बोर्ड के हाई स्कूल यानी के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूपी में रहते हैं और अगर आपने यूपी बोर्ड से 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी है तो आपके लिए ये जरूरी खबर है। आपको बता दें 10वीं और 12वीं की जो रिजल्ट है वो एक ही दिन आएंगे। जो ताजा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक रिजल्ट 20 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आप यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट जो कि अभी आपके सामने है इस पे जाकर देख सकते हैं 20 अप्रैल को। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि महज 3 महीने में 33% महंगा हुआ है क्रूड ऑयल, पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल है जारी। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें जो ताजा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम और भी ज्यादा और डीजल के दाम और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी होती जा रही है। अब आने वाले दिनों में पेट्रोल पर 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए या 15 रुपए भी बढ़ सकते हैं। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि पेटीएम देने जा रहा है आपको पैसे कमाने का सबसे बड़ा मौका, घर बैठे कर सकते हैं कमाई। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम को इस महीने से यानी कि 1 अप्रैल 2019 से सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें इस मंजूरी के बाद अब जो भी लोग शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं और शेयर को बेचना या खरीदना चाहते हैं और उसकी मदद से पैसा कमाना चाहते हैं तो अब आप ये पेटीएम मनी से भी कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी अब आप पेटीएम से भी शेयर बाजार में शेयर को खरीद सकेंगे और उसे बेच सकेंगे। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि अब आईफोन 7 होगा मेड इन इंडिया, बेंगलुरु में शुरू हो गई है मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में अगर आपके हाथ में कोई आईफोन होता है तो उस पर अब मेड इन इंडिया लिखा होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आईफोन बनाने का काम भारत के बेंगलुरु में शुरू हो गया है। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि इस साल रूठा रह सकता है मॉनसून, स्काईमेट वेदर ने जताया है कम बारिश का अनुमान। जी हाँ दोस्तों, भारत में मौसम की भविष्यवाणी करने वाली निजी कंपनी स्काईमेट के अनुसार इस साल 2019 में मॉनसून के सामान्य से कमजोर रहने की आशंका है। स्काईमेट के मुताबिक जून से सितंबर तक 4 महीने की मॉनसून अवधि में अनुमान के मुताबिक 887 मिलीमीटर के मुकाबले 93% बारिश का अनुमान है, यानी नॉर्मल से 7% कम होगी। इस वजह से गर्मी भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों आइए अब आपको उस खबर के बारे में बता देते हैं जिसके बारे में हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, यानी अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है और अगर आप पैसे का लेन देन करते हैं। दोस्तों पूरे देश के लिए जो बड़ी खबर आई है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इसे ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चुनाव आचार संहिता 50,000 से ज्यादा कैश ले जाने के लिए जरूरी है ये 3 दस्तावेज। जी हाँ दोस्तों, जी न्यूज की तरफ से एक आर्टिकल शेयर किया गया है और इसमें बताया गया है कि अब अगर कोई 50,000 रुपए की ज्यादा से नकदी लेकर रास्ते में निकलेगा तो उसके पैसों को जब्त कर लिया जाएगा। आपको बता दें ये लोकसभा चुनाव की वजह से किया जा रहा है क्योंकि अभी सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए यहां वहां पैसे कर रही हैं। इसीलिए चुनाव आयोग को शक है कि कोई भी अगर पैसा लेके जाएगा तो वो पैसा कहीं पर भी जा सकता है। इसीलिए अगर किसी के पास 50,000 रुपए से कम होंगे तब तो कोई पाबंदी नहीं है, ये साफ बिल्कुल रिपोर्ट में बताया गया है। लेकिन अगर किसी के पास रास्ते में 50,000 रुपए से ज्यादा निकल जाते हैं और उसे पकड़ लिया जाता है और वो अगर 3 प्रूफ नहीं दिखाएगा तो उसके पैसे जब्त कर लिए जाएंगे। आपको बता दें चुनाव आयोग ने करीबन 300 करोड़ रुपए जब्त भी कर लिए हैं बहुत सारे लोगों के। अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा लेकर जाते हैं तो आपके पास पहचान पत्र अपना होना चाहिए, साथ ही में आपने जहां से पैसे निकाला है, जिस भी बैंक से पैसे निकाला है वो आपके पास होना चाहिए, यानी कि बैंक की पर्ची या एटीएम की पर्ची। तीसरा, आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आप ये पैसा किसको देने जा रहे हैं और कहां देने जा रहे हैं। जब तक आप ये 3 प्रूफ नहीं दिखाएंगे तब तक आपके पैसे आपको वापस नहीं दिए जाएंगे। दोस्तों साथ ही में बैंक की तरफ से ये भी बड़ी खबर आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि SBI बैंक खाते में बैलेंस कम होने पर इतना लगेगा चार्ज, अब आपको रहना है सतर्क। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बैंकों पर कोई भी नया नियम लागू किया जाता है, हमने अक्सर बार देखा है कि वो सबसे पहले SBI पर लागू किया जाता है, उसके बाद इसी तरह के नियम और भी बैंकों पर लागू कर दिए जाते हैं। आपको बता दें SBI की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर के मुताबिक अकाउंट में पैसे रखने की लिमिट को तय कर दिया गया है। अगर आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं होंगे तो आपसे पेनल्टी काटी जाएगी, साथ ही में उस पर GST भी लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मिसाल के तौर पर मान लेते हैं कि आपसे 10 रुपए काटा जा रहा है तो आपसे 10 रुपए पर GST भी काटा जाएगा। आपको बता दें SBI के मुताबिक जो मेट्रो वाले शहर हैं, यानी जहां पर मेट्रो चलती है, वहां के लोगों को अपने खाते में कम से कम 3,000 रुपए रखने होंगे, नहीं तो उन्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी। साथ ही में जो शहर में शाखा है, यानी जो भी लोग शहर में रहते हैं, उन लोगों को भी 3,000 रुपए रखने पड़ेंगे वरना उनसे पेनल्टी ली जाएगी। हाँ, लेकिन जो लोग ग्रामीण लोग हैं और गांव वगैरह में रहते हैं उन लोगों पर 3,000 रुपए नहीं बल्कि 1,000 रुपए की लिमिट रखी गई है, उन लोगों को भी कम से कम 1,000 रुपए अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे वरना उन पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी। आप अधिक जानकारी के लिए SBI की वेबसाइट पे जा सकते हैं या उनके कस्टमर केयर से बात भी कर सकते हैं। अगली खबर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि पबजी मोबाइल प्राइम और प्राइम प्लस हुआ लॉन्च, हर महीने देने होंगे 400 रुपए। जी हाँ दोस्तों, पबजी ने अपना नया अपडेट जारी
कर दिया है। साथ ही में कंपनी ने पबजी प्राइम और पबजी प्राइम प्लस सर्विस लॉन्च कर दी है। इस सर्विस के तहत जो भी लोग पबजी खेलते हैं उन्हें पबजी कंपनी को 400 रुपए देने होंगे। आपको बता दें 400 रुपए देने के बदले उन्हें एक नया फीचर मिलेगा और उस फीचर के तहत पबजी के प्लेयर अननोन कैश जमा कर सकेंगे गेम के अंदर और उस कैश से गेम खेलने के लिए हथियार खरीद सकेंगे। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि टिकट बुकिंग पर मिलेगा डबल फायदा, IRCTC ने लॉन्च किया लॉयल्टी प्रोग्राम, ऐसे उठाएं फायदा। जी हाँ दोस्तों, शायद आप IRCTC को जानते होंगे। आपको बता दें IRCTC सभी लोग लगभग जो भी ऑनलाइन रहते हैं वो लोग अपनी ट्रेन टिकट बुक करते हैं और एयर टिकट भी बुक करते हैं। आपको बता दें अभी IRCTC की तरफ से जो भी वरिष्ठ लोग हैं उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। आपको बता दें भारतीय रेलवे भी वरिष्ठ लोगों को 40% की छूट देता है और जो महिलाएं होती हैं वरिष्ठ उन्हें 50% की छूट देता है। लेकिन IRCTC ने जो नया ऑफर निकाला है उसके तहत अगर आप SBI के IRCTC प्लेटिनम कार्ड से अपना टिकट बुक करते हैं तो आपको 10% का और कैशबैक दिया जाएगा अगर आप किसी वरिष्ठ की टिकट बुक करते हैं। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि टीचर बनकर सवार सकते हैं बच्चों का भविष्य, छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की हो रही है बंपर भर्तियां। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने करीबन 14,000 पदों पर शिक्षकों को यानी टीचरों के लिए भर्ती निकाली है। आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करना 16 अप्रैल से शुरू होगा और इसकी अंतिम तारीख 14 मई है। आप अधिक जानकारी के लिए और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि अभी आपके स्क्रीन के सामने है। और दोस्तों आज की अगली खबर में कि SBI में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 2000 पद है खाली, सैलरी के साथ मिलेगी अनेक सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, SBI ने भी करीबन 2000 पदों पर भर्तियां निकाली है। आपको बता दें ये भर्तियां PO के लिए है। इसमें आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए और इस जॉब की ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वाली वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि अभी आपकी स्क्रीन के सामने है। और दोस्तों आज की अगली खबर कि भारत में बंद हो सकती है रेडिट और टेलीग्राम जैसी वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, ये एक और बड़ी खबर आई है। आपको बता दें भारत में जो एक रेडिट वेबसाइट है और जो एक टेलीग्राम वेबसाइट है उसे बंद किया जा सकता है। आपको बता दें ये खबर बिल्कुल ताजा खबर है। जो भी लोग रेडिट चलाते होंगे और टेलीग्राम चलाते होंगे उन्हें इनके बारे में पता होगा कि ये किस तरह की वेबसाइट है। तो इन दोनों वेबसाइट को लेकर खबर आई है कि आने वाले दिनों में इन वेबसाइटों को बंद किया जा सकता है। तो दोस्तों आज 4 अप्रैल 2019 की ये ताजा खबरें थी, महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। इन सब के बदले में हम आपसे इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी आप रोजाना की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।